नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथ आलोक में। मैं वीके शुक्ला। चलिए आज हम लोग सुपर टेट का जो है सिलेबस उसके संबंध में पॉलिटी को देखेंगे, संवैधानिक विकास। उसके पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दी जाए, संस्थान की तरफ से सुपर टेट का बैच चलाया जा रहा है। उसके लिए आपको एंट्री सुपर टेट लिख कर ये नंबर आपको व्हाट्सएप पर दिख रहा है, ये नंबर आपको इस नंबर पर ये मैसेज करना है। उसके बाद की जो प्रोसेस है वो टीम हमारी आपसे संपर्क करेगी और एडमिशन प्रक्रिया को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। लिखना है आपको सुपर टेट एंट्री या एंट्री सुपर टेट लिखकर 9125423936 पर व्हाट्सएप करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपनी प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। भारत के संविधान का जो संवैधानिक डेवलपमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ था, उसके संबंध में श्रृंखला हमारी चल रही थी। अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो देखा कि संविधान क्या है, संविधान की अवधारणा क्या है, किसे हम संविधान कहेंगे, है ना। इसके अलावा हमने देखा जो संवैधानिक विकास की बात करते हैं, एक रिवीजन बता देता हूं मैं आपको, संविधान की जो विकास हुआ है डेवलपमेंट, वो दो हिस्सों में मैंने आपको बताया था। एक तो बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत के संविधान की विकास हुई है, विकास हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा हमने बताया था आपको क्राउन के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था थी, मीन्स क्राउन के अंतर्गत, अर्थात पहले जो व्यापारिक कंपनी थी, मर्चेंट एडवेंचर्स नामक जो व्यापारिक संस्था थी, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रारंभ की क्लास में देखा था कि वो क्या करने आते हैं, भारत में व्यापार करने आते हैं, जिसे 1600 के चार्टर एक्ट के द्वारा महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने का लाइसेंस प्रदान कर दिया था। धीरे धीरे वो मर्चेंट एडवेंचर्स कंपनी नामक कंपनी जो रहती है, वह धीरे धीरे भारत में क्या करती है, व्यापार के साथ साथ प्रशासन भी करना शुरू कर देती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वह भारत में शासन करना प्रारंभ कर देती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से यदि देखा जाए तो 1773 से लेकर 1853 तक, 1773 से लेकर 1853 तक आपका यहाँ पर संवैधानिक विकास होता है। फिर उसके बाद 1857 में एक क्रांति होती है भारत में, जिसे कुछ लोगों ने सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना है। ठीक है, एक ये व्यवस्था होती है, 1857 में एक क्रांति होती है, और इस क्रांति के कारणों को जानने के बाद जो कारण थे इस क्रांति के, वह कहीं ना कहीं कंपनी के द्वारा जो मिसमैनेजमेंट था, जो वहाँ की कुप्रशासन थी, वहाँ की व्यवस्थाओं में जो खामियाँ थी वह नज़र आईं। तो इन्होंने क्या किया, महारानी जो विक्टोरिया थी, जो वहाँ की महारानी थी, उन्होंने क्या किया कि कंपनी के हाथ से शासन व्यवस्था लेकर क्या कर दिया, उन्होंने क्राउन को दे दिया। अर्थात जो ब्रिटेन का शासक था, ब्रिटेन का जो मेन शासनकर्ता थे, उनको सौंप दिया जाता है। तो यहाँ से लेकर, अर्थात हम बात करते हैं दोस्तों 1858 से लेकर 1947 तक, अर्थात 1858 में एक चार्टर एक्ट आता है, नया शासन अधिनियम आता है, जिसके द्वारा जो ये डेवलपमेंट की बात थी, यहाँ से लेकर 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, यानी भारत की जो स्वतंत्रता अधिनियम रहता है, भारत की स्वतंत्रता की जो बात होती है दोस्तों, वो यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ तक चलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था वो सन 1600 का चार्टर एक्ट पढ़ा हमने, क्या चीज़ें थी, फिर 1726 का हमने चार्टर एक्ट पढ़ा, 1773 का हमने चार्टर एक्ट पढ़ा, और 1784 का हम लोगों ने ब्रिटिस इंडिया एक्ट देखा। ठीक है, इन एक्ट में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, जहाँ से परीक्षा को लेकर प्रश्न बनते हैं या बनने के चांसेस रहते हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग क्रमवार चर्चा कर चुके हैं। तो आइए इसके आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था, अब इसके बाद हम देखेंगे 1813 के चार्टर एक्ट के को, 1813 का चार्टर एक्ट।
इन नामों से हमें कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों कि चार्टर एक्ट रहता है, कहीं सेटलमेंट होगा, यही आगे चल के आपको भारत शासन अधिनियम के नाम से या तमाम इस तरह के अधिनियम रहते हैं उनके नाम से ये चीज़ें आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। 1813 का चार्टर एक्ट देखते हैं कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था उनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जो बिंदुओं से पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली चीज तो ये थी कि जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, मीन्स पहले क्या था, कंपनी जो व्यापार करती थी उस कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था, मीन्स मोनोपोली थी व्यापार पर, किसी भी तरीके का किसी अन्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो इस अधिनियम के द्वारा उन्होंने क्या किया, पहला कार्य तो किया उन्होंने कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसका एक अपवाद था, क्या अपवाद था, व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त हुआ लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ जो इनका व्यापार था, चाय और चीन, ये दो चीज याद रखना है आपको कि चाय और चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को नहीं समाप्त किया गया, व्यापार के एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहां पर कि चाय और चीन, देखिए कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को, जो मोनोपोली थी व्यापार पर इनका, जो इनका एकाधिकार था इस व्यापार पर, उस एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापार था इनका वह चलता रहा, वह बना रहा। तो ये व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त करने का अर्थ क्या हुआ, यह अर्थ होता है व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त करने का कि जो अभी तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के ही व्यापारी व्यापार करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, अर्थात जो मर्चेंट एडवेंचर्स नामक संस्था आई थी भारत में व्यापार करने के लिए, जो लोग उससे जुड़े थे केवल वही भारत में व्यापार कर सकते थे, अभी तक ये था। लेकिन इस चार्टर एक्ट के द्वारा, अर्थात 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा इन्होंने कहा कि सभी व्यापारी वर्ग, मीन्स जो अन्य व्यापारी थे, मीन्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नहीं रजिस्टर्ड थे, उनके लिए भी उन्होंने क्या किया कि व्यापार के रास्ते को उन्होंने क्या किया, खोल दिया। उन्होंने यह कहा कि अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की ही जो है, अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही व्यापारी के एकाधिकार नहीं होगा, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी जो व्यापारी वर्ग है जो भारत में व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए यह व्यापारी के एकाधिकार क्या किया गया दोस्तों, खोल दिया गया। तो किस प्रश्न आता है कि किस शासन अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया गया या समाप्त कर दिया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसको समाप्त किया गया, लेकिन एक शर्त के साथ, एक अपवाद के साथ यह किया गया कि चाय के व्यापार और चीन के साथ जो इनका व्यापार होता था, उस चाय और चीन के व्यापार को इन्होंने क्या किया, सुरक्षित रख दिया। उन्होंने कहा कि चाय के व्यापार और चीन का जो व्यापार था, इस व्यापारी के एकाधिकार को इन्होंने बने रहने दिया। उन्होंने कहा कि इस व्यापारी के एकाधिकार को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं। तो क्या किया इन्होंने, कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त किया, परंतु चाय और चीन के साथ व्यापारी के एकाधिकार को मंजूरी बनाए रखी और उस चीज को उन्होंने जारी रखा। अगला जो काम हुआ इस एक्ट के द्वारा दोस्तों, भारतीय बाजार को अन्य व्यापारियों के लिए, अन्य व्यापारियों के लिए
खोल दिया गया, खोल दिया गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, भारतीय बाजार को अन्य व्यापारियों के लिए खोल दिया, शासन को बीस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को इन्होंने क्या कर दिया, 20 वर्ष के लिए फर्दर कंटिन्यू कर दिया, किस एक्ट के द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है बेटा, वो था पहली बार शिक्षा पर सालाना 1,00,000 रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया। पहली बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिक्षा पर पैसा खर्च करने के लिए, यहां पर शिक्षा पर 1,00,000 रुपए, उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष जो है वह शिक्षा पर 1,00,000 रुपए खर्च करने का बजट इन्होंने किया। अब हाँ, हमारे लिए नहीं किया इन्होंने कि जो हिंदुस्तानियों को अच्छी शिक्षा दी जाए, नहीं, उन्हें अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकर चाहिए थे और पढ़े लिखे नौकर चाहिए थे, तो बोले जब पढ़े लिखे रहेंगे तो हमारे किसी काम के आएंगे ये, इसीलिए इन्होंने शिक्षा पर जोर दिया। यहां पर शिक्षा के लिए कहा इन्होंने कि हम सालाना 1,00,000 रुपए अब भारतीय शिक्षा पर खर्च करेंगे, इसलिए नहीं खर्च करेंगे कि भारतीय पढ़े लिखे उनकी उन्नति हो, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के लिए उन्होंने क्या किया, उनका यह सोचना था कि चूंकि जो इंग्लैंड से बुलाए जाते थे अधिकारी काम करने के लिए, उनके वेतन ज्यादा होते थे, वो महंगे पड़ते थे उनको कर्मचारी, तो जब यही का आदमी होगा, है ना, मीन्स आप अगर किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को काम पर रखिए जो फॉरेन से आ रहा हो, बाहर से आ रहा हो, तो बट नेचुरल है उसकी फीस ज्यादा होगी। लेकिन यदि जहां आपकी फैक्ट्री है वहीं का लोकल वर्कर यदि आपको अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए मिल जाए तो वो 300 रुपए में भी काम करने को तैयार हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसे कहीं नहीं जाना है। लेकिन कोई यदि 100 किलोमीटर दूर से चल के आएगा तो कहेगा भैया इतना तो हमारा आने जाने का किराया हो जाता है, ठीक है। उसी इसीलिए इन्होंने अपनी कंपनी में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए क्या किया, इन्होंने सालाना शिक्षा पर 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष जो है खर्च करने का प्रावधान किया इस एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा इन्होंने एक काम और किया, क्या किया, ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर धार्मिक प्रचार करने की आजादी दी, ईसाई मिशनरियों को भारत आकर धर्म के प्रचार की आजादी दी, धर्म के प्रचार की आजादी दी गई। ईसाई मिशनरियों को उन्होंने क्या कर दिया, आजादी दे दी कि आप भारत जाके अपने धर्म के धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं, ये आजादी इन्होंने इस एक्ट के द्वारा दिया। अगला कार्य इन्होंने क्या किया, स्थानीय स्वशासन पर टैक्स लगा दिया, स्थानीय स्वशासन को कर लगाने की अनुमति मिल गई, कर लगाने कर लगाने की शक्ति दी गई। क्या कहा इन्होंने कि अब स्थानीय शासन जो है, मीन्स जो लोकल स्तर पर गवर्नेंस है, अर्थात जो प्रारंभिक स्तर पर जो गवर्नेंस थी भारत में, मीन्स जैसे जमींदार होते थे या इस तरह के जो व्यक्ति थे, उन्हें उन्होंने क्या कर दिया, कर लगाने की आजादी दे दी। बोले आप अपने क्षेत्र में किसी एरिया विशेष में आप चाहें तो कर लगा सकते हैं किसी वस्तु पर, किसी संस्था पर, किसी भी ऐसी व्यक्तियों पर। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे इस एक्ट के। देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे,
कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापारी के एकाधिकार था वो क्या था दोस्तों, एज इट इज बना रहा। उसके बाद क्या हुआ, भारतीय बाजार को अन्य व्यापारियों के लिए भी खोल दिया गया, अर्थात जब व्यापारी के एकाधिकार समाप्त हो गया तो सभी वर्ग के व्यापारी, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हो या ना हो, उन्हें भारत में व्यापार करने की आज़ादी दे दी गई। शासन को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो 1813 के बाद आप जोड़ेंगे देखेंगे तो आपको 1833 का चार्टर एक्ट अभी पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि 20 साल के लिए ये बढ़ा दिया गया। शिक्षा पर, दैट इज इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है कि किस एक्ट के द्वारा पहली बार शिक्षा पर बजट का प्रस्ताव किया गया। ठीक है, या तो प्रश्न इस तरह बन सकता है कि किस एक्ट के द्वारा शिक्षा पर बजट का प्रस्ताव किया गया, तो 1813 का चार्टर एक्ट है, या यह प्रश्न बन सकता है कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा सालाना कितने रुपए का बजट प्रस्तावित किया शिक्षा के लिए, तो 1,00,000 रुपए सालाना। ईसाई मिशनरियों को भारत आकर आज़ादी दे दी गई, आप प्रचार प्रसार की, और स्थानीय स्वशासन को इन्होंने कर लगाने का अधिकार दे दिया कि यदि आप चाहें तो कर लगा सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। चूंकि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था तो 13 से 1833 आ जाता है 33 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा भारत का विकेंद्रीकरण, भारत का विकेंद्रीकरण होना प्रारंभ हुआ, होना प्रारंभ हुआ। क्लियर है दोस्तों, इसी एक्ट के द्वारा क्या किया गया, भारत का जो विकेंद्रीकरण था उस विकेंद्रीकरण की तरफ यह एक्ट सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। भारत के विकेंद्रीकरण के, भारत के सत्ता का जो विकेंद्रीकरण था उस विकेंद्रीकरण की तरफ यह अधिनियम मील का पत्थर साबित हुआ था। ठीक है, दूसरा जो प्रावधान किया गया इस एक्ट के द्वारा वो किया गया, जो मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों कि पहले 3 प्रेसिडेंसीज बनी। ठीक है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसीज के अलग अलग गवर्नर थे। फिर उन्होंने क्या किया, बंगाल के गवर्नर के अधीन मद्रास और बंबई के गवर्नर को कर दिया। फिर बंगाल के गवर्नर को क्या किया, उन्होंने गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक, अब यहाँ पर इस एक्ट के द्वारा क्या कर रहे हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दे रहे हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहले गवर्नर जनरल कौन बन रहे हैं यहां पर, लॉर्ड विलियम बेंटिक महोदय, ध्यान दीजिएगा, पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल का, जब गवर्नर को जो है वो गवर्नर जनरल नाम दिया जाता है तो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स महोदय, और उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को यहाँ पर देखिए भारत का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को जब भारत का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा है तो पहले गवर्नर जनरल कौन बन रहे हैं भारत के, लॉर्ड विलियम बेंटिक महोदय। तो याद रखिएगा ये फैक्ट, आपसे परीक्षा के लिए यह फैक्ट क्या है वह महत्वपूर्ण है। जब इन्हें गवर्नर जनरल बना दिया गया तो निश्चित है इनकी शक्तियों में भी इजाफा होता है। ठीक है, तो इन्हें क्या किया गया, जब भारत का गवर्नर बनाया जा रहा है तो इन्हें नागरिक और सैन्य शक्ति भी दे दी जाती है। भारत के गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को
नागरिक तथा सैन्य शक्ति प्रदान कर दी गई। इन्हें समस्त नागरिक तथा सैन्य शक्ति भी दे दी गई, ठीक है। और इसी एक्ट के द्वारा इन्होंने क्या कर दिया, सरकार का ब्रिटिश कब्जे वाले क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण हो गया, ठीक है। सरकार का क्या किया इन्होंने, पहली बार, इससे पहले का जो एक्ट आपने देखा था यानी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके द्वारा इन्होंने पहली बार क्या किया था, इंडिया ऑक्यूपाइड किया था, क्षेत्र कहा जाने लगा था। और इस एक्ट के द्वारा ये क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश कब्जे वाले जितने क्षेत्र पर थे उस पर किसका नियंत्रण हो गया, उस पर नियंत्रण गवर्नमेंट का हो जा रहा है, सरकार का नियंत्रण होता हुआ दिख रहा है। किस एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसी एक्ट के द्वारा इन्होंने क्या किया गया, इसी एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को, देखिए यहां नागरिक और सैन्य शक्ति दी जा रही है, तो इसी एक्ट के द्वारा विधि बनाने की शक्ति दी जा रही है, गवर्नर जनरल को विधि बनाने की शक्ति भी दे दी गई, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को नागरिक और सैन्य शक्ति तो आपने दे दिया, तो उन्होंने इसी एक्ट के द्वारा क्या किया, भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत क्षेत्र के लिए, मींस जो गवर्नमेंट के अंतर्गत था, मींस जो शासन इनके अंतर्गत था, उस संपूर्ण क्षेत्र के लिए विधि बनाने की शक्ति किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल को दे दी गई। आते हैं पिछला, थोड़ा सा रिवाइज करिए, 1813 का चार्टर एक्ट जो था बेटा, उसी चार्टर एक्ट के द्वारा इन्होंने क्या किया है, उस चार्टर एक्ट के द्वारा इन्होंने क्या किया था, व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त किया था, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त नहीं किया था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा ये क्या कर रहे हैं, संपूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया, संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अर्थात जो चाय और चीन के साथ इनका व्यापार था, चाय और चीन के साथ जो इनका व्यापार था उसे भी यहां पर समाप्त कर दिया गया, अर्थात इनका जो व्यापारी के एकाधिकार था उसे पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और जब व्यापारी के एकाधिकार समाप्त हो रहा है तो इन्होंने क्या किया, व्यापारिक संस्था जो ये थी, इस व्यापारिक संस्था को समाप्त कर दिया गया, यानी व्यापारिक गतिविधि जब समाप्त हुई तो व्यापारिक संस्था को समाप्त करते हुए उसे क्या कर दिया इन्होंने, प्रशासनिक संस्था के रूप में निर्गत कर दिया, प्रशासनिक संस्था बना देते हैं। व्यापारिक संस्था को समाप्त कर दिया और पूर्ण रूप से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर रहे हैं, इस एक्ट के द्वारा प्रशासनिक संस्था के रूप में डेवलप कर रहे हैं। देखिए बहुत आसान है चीजें बेटा, हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यदि क्रम से चीजें आप चलती हैं, क्रम से चीजों को याद रखेंगे तो बहुत आसान तरीके से है। एक एक्ट के द्वारा व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापारी के एकाधिकार को छोड़ दिया गया कि कंपनी अभी चाय का व्यापार करेगी और चीन के साथ जो इनका व्यापारी के एकाधिकार था वो चलता रहा। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इस व्यापारिक संस्था की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही थी, क्यों, क्योंकि उन्होंने पूरे व्यापार को जो था भारतीय बाजार था वो सभी व्यापारियों के लिए ओपन कर दिया, तो जब सभी व्यापारियों के लिए ओपन कर दिया था तो सभी लोग आ गए, तो बोली इस संस्था की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस संस्था के एग्जिस्टेंस को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा कि अब केवल प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वह यह कंपनी देखेगी। क्लियर है, यहां पर व्यापारी के एकाधिकार को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। इसी एक्ट के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, इसी
अधिनियम द्वारा, एक्ट को हिंदी में अधिनियम कहते हैं, इसी अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, नियुक्ति की गई। लेकिन नियुक्ति तो कर दी गई, लेकिन किसके साथ? सीमित अधिकारों के साथ, सीमित अधिकारों के साथ। अर्थात इसे मत देने का अधिकार नहीं था, राइट टू वोट नहीं था इसे। विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान कर दिया गया, और विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त होते हैं? लॉर्ड मैकाले साहब, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले साहब को यहां पर इस अधिनियम के द्वारा कहा इन्होंने कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य नियुक्त किया जाएगा। पहले विधि सदस्य कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। इसी एक्ट के द्वारा इन्होंने कहा संपूर्ण भारत के लिए एक बजट का प्रावधान किया, संपूर्ण भारत के लिए एक बजट का प्रावधान किया, संपूर्ण भारत के लिए उन्होंने एक बजट का प्रावधान किया इसी एक्ट के द्वारा। कौन सा एक्ट है ये? 1833 का चार्टर एक्ट। इसी एक्ट के द्वारा इन्होंने भारत में जो सबसे गंदी प्रथा थी दास प्रथा, तो दास प्रथा को इन्होंने क्या किया? गैर कानूनी घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित किया गया। किस एक्ट के द्वारा घोषित किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो ये 1833 के चार्टर एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। और यहां भी क्या कर रहे हैं, वो शासन जो था वह 20 वर्षों के लिए फिर बढ़ा देते हैं, शासन 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जब 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तो अगला एक्ट कब आएगा? 1853 में। चलिए देखते हैं 1853 के चार्टर एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें। 1853 के का चार्टर एक्ट, इस एक्ट की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या थी, आइए जरा इस पर गौर फरमाते हम लोग कि क्या महत्वपूर्ण बिंदु थी। इससे जो है इस एक्ट को जो पारित किया गया वो लॉर्ड डलहौजी के प्रेरणा पर इस चार्टर एक्ट को पारित किया गया। क्लियर है? लॉर्ड डलहौजी की प्रेरणा पर इस चार्टर एक्ट को पारित किया गया। क्यों? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी की नीतियां जो थी वह ऐसी थी, जैसे आप सुने होंगे व्यपगत की नीति, राज्य हड़प नीति किसकी थी? डलहौजी की थी, राज्य हड़प नीति। उसके बाद इसी एक्ट के द्वारा उन्होंने जो गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्य थे, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या घटा दी गई, कितनी कर दी गई? संख्या अठारह सदस्य। और इन 18 सदस्य जो थे इनमें से 6 सदस्य कौन नामित करता था? क्राउन। 18 सदस्य थे, इन 18 सदस्यों में से 6 सदस्य जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते थे? क्राउन के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। तो गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या घटा दी गई इसके द्वारा, ठीक है? इसी के द्वारा महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, कंपनी के कर्मचारियों के लिए
कंपनी के, क्योंकि क्या किया गया था, प्रशासनिक निकाय के रूप में बदल दिया गया था, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया, तो जब प्रशासनिक प्रशासनिक निकाय के रूप में इसे कन्वर्ट किया था उन्होंने, तो चूंकि कंपनी थी तो कंपनी को चलाने के लिए इन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी, तो इन्होंने कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगात्मक परीक्षा, यानी जो कंपटीशन था प्रारंभ की गई, प्रतियोगितात्मक परीक्षा को प्रारंभ किया गया। ये बहुत बार पूछा गया है कि किस एक्ट के द्वारा सबसे पहले कंपटीशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो है वह परीक्षा जो होती थी, प्रतियोगितात्मक परीक्षा जो थी, वह प्रतियोगी परीक्षा किस एक्ट के द्वारा पारित किया गया था, तो वो था 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसके संबंध में प्रावधान कर दिया गया। इसी एक्ट के द्वारा इन्होंने क्या किया, जो हमारी व्यवस्थापिका थी अर्थात विधायिका एवं प्रशासनिक कार्य, उन्होंने कहा कि विधायिका एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग करने की व्यवस्था कर दी गई, अलग करने की व्यवस्था की गई। ये व्यवस्था इन्होंने किया कि विधायिका और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया जाए। ठीक, अब इस एक्ट के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य हुआ, सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी तक क्या था, इन्होंने देखिए आप एक क्रमगत तरीके से आइए, व्यापार करने आए, व्यापार करते थे, व्यापार के साथ साथ व्यापार में सुधार किया, व्यापार में सुधार करते करते इन्होंने क्या किया, जब व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त किया, बोले अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, जो भी व्यापारी भारत में व्यापार करना चाहे भारत में व्यापार कर सकते हैं, तो जब व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त किया तो इन्होंने अपने आप को किसमें कन्वर्ट किया, कंपनी को प्रशासनिक निकाय के रूप में कन्वर्ट किया, और प्रशासनिक निकाय के रूप में जब कन्वर्ट कर लिया तो कर्मचारियों की नियुक्ति की, और अब इस एक्ट के द्वारा ये क्या कर रहे हैं, भारत पर जो ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा था वो विस्तारवादी नीति को अपनाना प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि डलहौजी आ चुका है यहां पर, डलहौजी की प्रेरणा से ही ये एक्ट लाया गया, तो डलहौजी क्या कर रहा है, डलहौजी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को देख रहा है और वो तमाम प्रकार के की नीतियां ला रहा है, जैसे डलहौजी की राज्य हड़प नीति, अर्थात वो क्या कर रहा है डलहौजी यहां पर, इस एक्ट के द्वारा, इसी अधिनियम द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का काम प्रारंभ हुआ, विस्तार का कार्य प्रारंभ हुआ। लॉर्ड डलहौजी आते हैं, लॉर्ड डलहौजी नीति ले आते हैं, किस चीज की, व्यपगत नीति, व्यपगत नीति, ये किसकी थी, डलहौजी की। सहायक संधि आती है किसकी, बेलेजली की, लॉर्ड बेलेजली लाते हैं सहायक संधि। डलहौजी क्या करता है, जिनके कोई वारिस नहीं है उस राज्य को वो क्या करता था, कुप्रशासन या इस तरह का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता था, और बेलेजली क्या करता था, ये सहायक संधि कर लेता था, अर्थात जिन लोगों पर शासन करने की काबिलियत नहीं होती थी उनके साथ, उनके जो है उनके ऊपर किसी भी प्रकार से दबाव बनाकर वो क्या करता था, सहायक संधि कर लेता था, उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता था। इस तरह से इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर ये लोग ध्यान देना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे तमाम नीतियां लाकर, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति हो या बेलेजली की सहायक संधि नीतियां हैं, ये सभी नीतियों ने
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को जो है वह मजबूती प्रदान की। और इस जो नीतियां ये थी, इन्हीं नीतियों के कारण भारतीयों में क्या हुआ था, अंग्रेजों के प्रति असंतोष व्याप्त होता चला गया। और उस असंतोष के कारण दोस्तों धीरे धीरे करके 1857 में वह असंतोष एक क्रांति के रूप धारण कर लेती है। और सन 1857 में भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति होती है जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जब इनके पीछे के कारणों को जाना अंग्रेजों ने, तो जो कंपनी थी उस कंपनी को इन्होंने क्या किया, शासन करने से मना कर दिया। और शासन को 1858 में क्या होता है, सौंप देते हैं क्राउन को। तो 1858 से लेकर 1947 तक का जो संवैधानिक विकास का कालक्रम है वह हम देखेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। उससे पहले यहां पर आपको मैं नंबर बता देता हूं, हमारे सुपर टेट का जो बैच चल रहा है उसके लिए आपको एंट्री सुपर टेट लिखकर 9125429936 इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है और अपनी प्रक्रिया को, अपनी प्रवेश को आप हमारे बैच में सुनिश्चित करा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।